बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास थ्री साइंस की बुक यूनिट वन हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है किसी भी जानवर की रहने की जगह। ठीक है, फर्स्ट आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। जब हम ये पूरा यूनिट कंप्लीट कर लेंगे तो ये जो उन्होंने चंद पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं इन चीज़ों के बारे में हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट जो आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो होगा रिकॉग्नाइज दैट, इस चीज़ को समझेंगे दैट हीट एंड लाइट के हरारत और रोशनी ऑफ द सन, सूरज की हरारत और रोशनी हेल्प टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, कि सूरज की हरारत और रोशनी जो है वो ज़मीन पर ज़िंदगी बहाल रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, आज जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे वो ये है, फर्स्ट सन एज अ सोर्स टू सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, मतलब कि सूरज ही वो ज़रिया है जिसकी वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी कायम है। सन इज़ द बिगेस्ट, सूरज सबसे बड़ा, ब्राइटेस्ट सबसे रोशन, एंड हॉटेस्ट और सबसे गर्म ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे ज़्यादा रोशन और सबसे ज़्यादा गर्म सूरज है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ हीट, ये ज़रिया है हरारत का, एंड लाइट और रोशनी का फॉर आवर प्लैनेट अर्थ, हमारी ज़मीन के लिए, ये हमारी ज़मीन के लिए हरारत और रोशनी का ज़रिया है। कौन? सन, सूरज की बात हो रही है। वी नो, हम जानते हैं दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड हीट एंड लाइट टू लिव अलाइव, हम सब जानते हैं कि तमाम ज़िंदा चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए हरारत और रोशनी की ज़रूरत होती है। जो लाइनें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आपने इनकी कॉपी में लिखना है और याद करना है। ठीक है, जो लाइनें अंडरलाइन की हुई हैं वो कौन सी हैं? सन इज़ द बिगेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम, इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट, हीट एंड लाइट फॉर आवर प्लैनेट अर्थ। ठीक है, ये थ्री लाइंस अंडरलाइन है और इसको आपने ज़ुबानी याद करना विद स्पेलिंग्स, राइट। नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल्स हमें दी हुई हैं, किस चीज़ की एग्जांपल? किस सन के बारे में, उसकी हीट और लाइट के बारे में। सबसे पहली जो एग्जांपल है वो ये है प्लांट, प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर फूड मीन शुगर इन अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस वो सिस्टम है जिसके ज़रिए पौधे सूरज की रोशनी और हरारत से अपने पत्तों में खुराक जमा कर लेते हैं। ठीक है, दिस फूड एज एनर्जी इज स्टोर्ड मेनली इन देयर लीव्स, और जो उनकी ये खुराक होती है वो कहाँ जमा की जाती है? लीव्स मतलब पत्तों में जमा हो जाती है। ठीक है, आपने एग्जांपल में सबसे पहले प्लांट्स का जिक्र करना है कि जो प्लांट है वो अपनी खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी और हरारत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल क्या दी है, एनिमल्स ईट दीज लीव्स, मतलब सबसे पहले ये कि जो पौधे हैं वो सूरज की रोशनी से और हरारत से अपनी खुराक बनाते हैं, और फिर वही पत्ते कौन इस्तेमाल करता है? एनिमल्स, एनिमल्स ईट दीज लीव्स, जानवर वही पत्ते इस्तेमाल करते हैं, एंड द एनर्जी इज टेकन, और एनर्जी हासिल की जाती है बाई एनिमल्स फ्राम प्लांट्स, और जो वो जानवर होते हैं वो इन्हीं पौधों से एनर्जी हासिल करते हैं, मतलब ताकत लेते हैं। अनलाइक प्लांट्स, पौधों की तरह नहीं, विच नीड ओनली लाइट फॉर फोटोसेंसिस, जिनको फोटोसेंसिस के लिए सिर्फ लाइट की ज़रूरत होती है, एनिमल्स नीड हीट टू मूव एंड सर्च देयर फूड बिकॉज एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक इन नेचर। हेटरोट्रॉपिक वो जानवर होते हैं जो अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं, जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते उनको कहते हैं हेटरोट्रॉपिक। एक होता है ऑटोट्रॉपिक,
ऑटोट्रॉपिक वो चीज़ वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, मतलब कि जिसना प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक हैं और जो जानवर और इंसान है वो हेटरोट्रॉपिक है, मतलब ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। ये अपनी खुराक कहाँ से हासिल करते हैं? पौधों, दरख्तों और दूसरे जानवरों से। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक वो होते हैं जो दूसरों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। तीसरी एग्जाम्पल उन्होंने क्या दी हुई है, ह्यूमन बींग्स ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो इंसान है वो क्या क्या चीज़ें खाता है, प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है, टू गेट एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए इंसान पौधे और जानवर खाता है। ऑल्सो वी यूज़ लाइट टू सी ऑब्जेक्ट्स एंड, और इसी तरह हम जो लाइट है वो दूसरी चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड हीट और हरारत लेते हैं टू कीप ओवर मूवमेंट पॉसिबल। अपने आप को हरकत देने के लिए हम हरारत हासिल करते हैं। दस द इंजन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ द हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। तो इन सारे एग्जाम्पल से और इन सारी बातों से हमें ये पता चला कि ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी है वो सिर्फ सूरज की रोशनी और हरारत से ही मुमकिन है। ठीक है, नो सन नो लाइफ ऑन अर्थ। अगर सूरज नहीं होगा तो ज़मीन पे कोई ज़िंदगी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जो पत्ते हैं, जो पौधे हैं, वो अपनी खुराक सूरज की रोशनी और तवानाई से बनाते हैं। ठीक है, और उन्हीं पौधों को जानवर खाते हैं और उन जानवरों और पौधों को इंसान खाते हैं। ठीक है, अगर सूरज नहीं होगा तो पौधे अपनी खुराक भी नहीं बना सकेंगे, अगर पौधे नहीं होंगे तो जानवर और इंसान भी ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है, ये पिक्चर देखें, पौधे अपनी खुराक सन की रोशनी और हरारत से बनाते हैं, इन पौधों को जानवर खाते हैं, और जो इंसान है वो जानवर और पौधे दोनों को खाता है। ठीक है, इसीलिए इंसान ज़िंदा है कि उसकी खुराक पौधे और जानवर हैं, और जानवर इसलिए ज़िंदा है कि उसकी खुराक पौधे हैं, और जो पौधे हैं वो अपनी खुराक सूरज की रोशनी और हरारत से बनाते हैं। ठीक है, अब आपने ये पिक्चर या इसी तरह की कोई और जानवर बना लें, वो अपनी कॉपी पे ड्रा करनी है और अंडरलाइन लाइंस जो हैं इनको कॉपी पे लिखने हैं और याद करना है, और एग्जांपल्स में जस्ट इनकी हेडिंग्स लगाएंगे आप, प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये आज का आपका काम है, नेक्स्ट कल आपको करवाया जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।